हैं आपके लिए, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह इनका सेंस ऑफ ह्यूमर 25 साल में और बढ़ चुका होगा। थैंक यू सादिया फॉर दिस अपॉर्चुनिटी के अपने दोस्तों से वी आर हियर टू सेलिब्रेट द 25th एनिवर्सरी ऑफ द इंस्टीट्यूशन दैट मेड अस व्हाटएवर वी आर, दैट्स अनदर क्वेश्चन, बट एंड इट्स सो ग्रेट टू सी के तमाम खवातीन दे आर एज ब्यूटिफुल एंड स्ट्राइकिंग एज दे एवर वॉज। I wish I could say the same about men. I can see some changes in hair and girth. Not always very easy on eyes. तो मैं पिछली मरतबा जब हमारी 20वीं एनिवर्सरी हुई थी तो इन लोगों ने कहा था कि कुछ स्लाइड्स दिखाएं, तो उसमें मैंने कुछ 4-6 स्लाइड्स बनाई थी। माइक अच्छा कोई तो उन स्लाइड्स में मैंने मुझे कुछ स्लाइड्स उसमें बनाई थी, तो ये स्लाइड में आपको कुछ लोग नजर आ रहे हैं। कितने लोग इन्हें पहचानते हैं? वन ऑफ आवर बिलव्ड प्रोफेसर, कोई उनकी तरह चल के दिखा सकता है? डॉक्टर फरहत बेग मिर्जा, इस तरह। उसके बाद में कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो उनके बहुत मेमोरेबल लेक्चर्स होते थे। अगर आपको याद हो एक मेमोरेबल लेक्चर था अबाउट कॉमन इंडियन प्लांट्स पॉइजनिंग। नेक्स्ट प्लीज। कैस्टर ऑयल सीड रेसिनस कम्युनस, उसके बाद में वो कहते थे इट इज आल्सो नोन एज अरंडी। उसके बाद एंड नेवर फॉरगेट टू से दैट ए। ऑलराइट, उसके बाद में कुछ और चीजें, तो जब मैं अपने उन दिनों का सोचता हूँ, आप में बहुत सारे लोग जिनकी अभी तक अल्जाइमर नहीं हुई है और वो सोच सकते हैं उन दिनों के बारे में, उन्हें कुछ चीज़ें याद आती हैं। तो एक तो अगर इतना वक्त एनाटमी में ऑरिजन इंसर्शन नर्व सप्लाई और एक्शन में ना जाया किया होता, वी वुड हैव लर्न्ड समथिंग एल्स अबाउट मेडिसिन। ये इनाम तारे डेड बॉडीज निकाल रहे हैं कभी जिनपे डिसेक्शन होते थे नेक्स्ट डे। और अगर आप लोगों को याद हो, हैज एनीवन थॉट कि हम लोग घर में लोगों के स्कल्स और बोन्स लेके आते थे? बल्कि किसी एक दोस्त ने बताया था कि वो उसका कोई स्टूडेंट जो है वो स्कॉटलैंड अपने सूटकेस में भी एक स्कल लेके चला गया एनाटॉमी रिवाइज करने के लिए। थैंक यू, इट वाज बिफोर 9/11। ये कुछ तस्वीरें, मैंने एक स्टेम सेल पे टॉक दी थी, अगर स्टेम सेल का कोई प्रॉमिस था दैट्स हाउ इट कैन गो रॉन्ग, यू कैन हैव दीज म्यूटेंट्स। तो अगर कोई ना पहचाना हो तो ये सलमान और तनवीर जो कि शायद यहाँ आज हम में मौजूद हैं। एनीवेज, तो गोइंग बैक टू दोज डेज, ये हमने फरहत बेग मिर्जा, और एक दिन मुझे याद है, मुजतबा को भी वो याद है, जब मैं पहली मरतबा अपने डाओ के ऑफिस में गया था तो वहाँ मुझे एक ऑफिस में एक साहब नज़र आए, वो मेरे कोई 2-3 पेपर्स मेरे मिसिंग थे, और उन्होंने मुझे देखकर कहा कि भैया ये लोहे के चने हैं, ये मेडिसिन ये ऐसे नहीं चबेंगे, आप कोई कागज़ अपने साथ लेकर अपने आया करें। अच्छा, उसके बाद में फिर जो दाओ के फर्स्ट प्रोफेशनल में एग्जाम्स, तो मुझे एग्ज़ाम में कुछ लोगों के सवाल बाहर वाइवा के लोग बाहर, लेकिन एक सवाल मुझे हमेशा याद आता है और वो ये होता था कि जब भी कोई एग्जामिनर जब वो लास्ट स्ट्रॉ पे पहुंच जाता था अपने पेशेंट्स के, तो ये सवाल पूछता था स्टूडेंट से कि बेटा ये बता प्लेसेंटा मर्द में होता है या औरत में। लेकिन एक ऐसा दोस्त बेटर रिमेन्स नेमलेस बायोकेमिस्ट्री के वाइवा के बाद वो मेरे पास आया और उसने कहा यार उसने मुझसे पूछा प्लेसेंटा मर्द में होता है या औरत में, किसमें होता है? मैं उसे बता दिया कि सही आंसर ये है कि मर्द और औरत दोनों में हो सकता है, लॉन्ग एज आपके सही एपिथेलियम हो और करेक्ट हार्मोनल सर्कमस्टेंसेस।
तो उन्हीं एग्जाम्स में, और मुझे फाइनल ईयर का वाइवा याद है, डॉक्टर मजीद मेमन की किताब से मैं हमेशा कॉजेज और डिफरेंशियल डायग्नोसिस याद किया करता था, और मुश्तबा और मैं हम लोगों को हर चीज़ के एटलीस्ट 3 कॉजेज हर चीज़ के याद होते थे। पहला हमेशा होता था इडियोपैथिक, दूसरा होता था अननोन, और तीसरा होता था अदर्स। उसके बाद में if you remembered anything else, you would always get it. कुछ और चीजें जो मुझे वहां पे याद हैं, कुछ वो मेडिकल सप्लाईज की, कि जब मेडिकल 2 के हाउस जॉब के दौरान हम सब कुछ दिन के लिए वहां पे एक मेडिसिन कैबिनेट होती थी, उसमें बजट आता था और उस बजट से पैसे देते थे। If I remember, हमारा वार्ड बॉय, I like that term by the way, तो उसको कुछ पैसे देते थे उस बजट से, और वो 3 व्हीलचेयर्स लेके जाता था 2 और वार्ड बॉयज के साथ, और दवा लेके आता था, और हम सब बहुत खुश होते थे कि इंजेक्शन भी हैं दवाएं भी हैं। लेकिन वो सिर्फ 1 हफ्ते चलता था, और उसके कोई 1 महीने बाद जब मैं दोबारा, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई कि वो पैसों से उसको दवाएँ लानी है, तो वो वापस आया। मैंने उससे कहा कि आज तुम गए नहीं वो दवाएँ लेने, उसने कहाँ ले आया, उसने पॉकेट से निकाल के मुझे 1 बॉटल दे दी। तो ये, लेकिन उस वक्त में फिर ये भी याद आता है कि PWA और बहुत सारे दोस्तों ने जो वहाँ पर काम शुरू किया, और किस तरह कितने मरीजों के लिए दवाएँ, ब्लड, और वो चीज़ें आज हमारे बहुत सारे दोस्तों ने, कुछ ने यहाँ कुछ ने बाहर, पूरे पूरे हस्पताल बनाए हुए हैं, पूरी ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है, जिससे हज़ारों लाखों लोगों का फ़ायदा हो रहा है। तो आई थॉट के ये भी एक दो और चीज़ें जो मुझे याद हैं, और मुझे फार्माकोलॉजी की क्लास में आई रिमेंबर कोई वो डॉक्टर हमीद होते थे, उनके वो कुछ वो इस तरह से आके वो खड़े होते थे, और आई रिमेंबर कि आई यूज़ टू टेक नोट्स, और उसमें ज़्यादातर जो होते थे वो फीन और थायाजीन्स, और उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते थे नाजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, एंड आई वुड राइट डाउन कुछ 20 दवाओं के बारे में यही चीज़, वेरी नॉलेजेबल। उसके बाद में मुझे एक चीज़ अपने और क्लास की एक आई थिंक वो मेडिकल 4 की रोटेशन थी, मरहूम डॉक्टर शफी कुरैशी और एक हमारी फ्रेंड से उन्होंने पूछा कि मैडम व्हाई डिडंट यू कम यस्टरडे और द डे बिफोर, कुछ इस तरह का सवाल था कि वो 1 हफ्ते तक जहाँ उन्हें आना था वो नहीं आई। उन्होंने कहा सर आई वाज सिक, आई हैड हाइपोटेंशन। एक्सक्यूज मी मैडम, हाइपोटेंशन इज नॉट अ डिजीज, द डिजीज इज हाइपरटेंशन। ये मैं उनका नाम आपको नहीं बता सकता, हालांकि हम भी वहीं मौजूद थे, हमसे भी सब पूछा किए, हम हंस दिए, हम चुप रहे, मंजूर था पर्दा तेरा, नॉट द मंजूर दैट वी हैव। एक और मेमोरी साइकाइट्री वार्ड, और ये मुश्तबा को याद होगी कि ये पहली रोटेशन हमारी साइकाइट्री की थी, और ज़माने में डाउट बंद था जो कि अक्सर बंद रहता था किसी हंगामे के लिए या किसी यूनियन को बैन करने के लिए। तो वहाँ पर मैं पहुँचा, हम सब पहुँचे, मैं, मुश्तबा और सलाउद्दीन और कुछ लोग थे, और वहाँ वो ग्रिल वाला लॉक दरवाज़ा था, तो जिन साहब ने वहाँ पर एक साहब खड़े थे, आई थॉट कि कोई साइकाइट्री का प्रोफेसर होगा, और उसने कहा कि स्टूडेंट्स, उनका जी, और अभी दरवाज़ा खुला नहीं था ग्रिल, उसने कहा कि दिस इज़ योर फर्स्ट लेसन, और उन्होंने फिर एलेनर रूज़वेल्ट का कोट वहाँ पे पढ़ा कि स्मॉल माइंड्स डिस्कस पीपल, एवरेज माइंड्स डिस्कस events, in big minds discuss ideas, and a genius acts in silence, welcome. और वो हमने उन्हें सलाम किया और अंदर चले गए। उसके बाद जब दूसरी मरतबा देखा तो उनको कोई 4 लोग पकड़ के लेके जा रहे थे ECT के लिए, उस वक्त उनका डिप्रेसिव फेज आ चुका। तो विद ऑल दिस आई थिंक अगर किसी और को कोई और किस्सा याद हो तो मैं आई बी मोर देन हैप्पी टू, मुझे बहुत किस्से याद है, लेकिन आई थिंक इस वक्त तक के लिए ये काफ़ी है।
डॉक्टर बाबा ने कहा था कामरा तुम आ जाओ हमारे में डॉक्टर बाबा के बारे में आप ही आ जाओ आप आके सुना दें इसके ऊपर किस ऊपर आज के प्रसादा होते हैं पाकिस्तान के लोग किसी को मारते हैं तो प्यार से बात बात यार वो मैं भूल गया हूँ मुझसे बात मैं याद नहीं है सबका बोल कैसे किया वो अच्छा वो अगर अनरिलेटेड आपको किससे या अगर याद करने या जैसे जब मुझे वो जिन साहब ने मुझे कहा था कि बेटा ये लोहे के चने हैं तो उस पर वो मुझे समहाउ ही साउंडेड लाइक मोइन अख्तर वो उसी ज़माने में उनका कोई होता था कि वो किसी साहब किसी बेकरी पे पहुंचे उन्होंने कहा कि आपके पास कुत्ते के खाने के लिए केक होगा उसने कहा यही खाओगे या घर ले जाओगे उस तरह के किस्से और बातें भी आती और ये जिस चीज़ की बात करी है हॉकी की कॉमेंटेरी जो मैं और मुश्तबा पाकिस्तान हॉकी की कॉमेंटेरी सुना करते थे तो उसमें एक कॉमेंटेटर थे एस एम नफ़ी और एक थे फारूक नज़र तो एस एम नफ़ी ने कोई फारूक नज़र से पूछा था कि फारूक तुम्हें याद होगा कि ब्राउनिंग ने पाकिस्तान के साथ ऐसे बहुत गोल किए थे लेकिन ये आपको ज़्यादा याद होगा और एक चीज़ जो मुश्तबा को याद है आई डोंट क्लेम के एक कमेंटेटर होते थे मज़ाहिर बारी और उन्होंने कहा कि इस ओलंपिक की खास बात यह है कि जब उन्होंने टोटल गोल देखे गए तो जितने तमाम टीमों के खिलाफ हुए थे उतने ही उनकी तरफ से भी किए गए थे ये एक बहुत अजीब बात इस ओलंपिक में देखने में आई और आखिर में आई थिंक I wanted to say some things about the friends, बहुत सारे जो आज नहीं हैं and we would have very much liked to have them here. और वैसे तो बहुत चीज़ें कही जा सकती हैं कुछ हर चीज़ में एंड में अगर कुछ शेयर हो जाएँ तो पिछले दिनों में वो नासिर काज़मी की ये नज़म या गज़ल सुन रहा था कि गए दिनों का सुराग लेकर और ये इनमें से किसी के लिए भी कहा जा सकता है किधर से आया किधर गया वो अजीब मानूस अजनबी था मुझे तो हैरान कर गया वो बस एक हल्की झलक दिखाकर बस एक मीठी सी धुन सुनाकर सितारे शाम बन के आया परंगे ख्वाबे सहर गया वो बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच इट्स रियली एन इमेंस प्लेजर टू सी दैट वी हैव ऑल रिज़न टू आवर ओन लेवल्स ऑफ इनकॉम्पिटेंस अल्फा जेनेसिस मैंने भी करवाई अगर आप लोगों में अगर किसी को प्रोफेसर मारिक अली शेख याद हो अल्फा जेनेसिस मैंने उनसे मेडिकल 3 में हमने उनसे रोटेशन की विविड मेमोरीज हेपेटिक कोमा का पेशेंट और वो उसका अल्फा जेनेसिस मैंने खुद भी अल्फा जेनेसिस करवाया अपने किडनी स्टोन के लिए इट वॉज अ थेरेप्यूटिक एक्सपीरियंस इन मैनी वेज बट नॉट फॉर द स्टोन लेकिन वो हेपेटिक कोमा का इलाज वो उससे करते थे मैं एसआईटीज का गर्थ मेजर करता था वो हर दिन को ज़्यादा ही पड़ जाती थी लेकिन अल्फा जेनेसिस वाज वर्किंग लेकिन उस हेपेटिक कोमा पे पेशेंट पे उन्होंने मुझे याद है कि उन्होंने एक नर्सिंग का एग्ज़ाम भी लिया था और ये भी सवाल मुझे याद है उन्होंने एक नर्सिंग एग्ज़ाम में पूछा था कि हेपेटिक कोमा का इलाज किस तरह से करेंगे इस मरीज़ को क्या देंगे तो उस नर्सिंग स्टूडेंट ने कहा था सर इसे गंडेरियाँ चुचवाएंगे